दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल में। इस वीडियो में आज आप जान पाएंगे कर्क राशि वाले जातकों का 15 मार्च से 31 मार्च के बीच का राशिफल। यदि आप किसी समस्या से पीड़ित हैं तो आप हमें कमेंट करें, प्रतिउत्तर या वीडियोज के थ्रू हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। यदि आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप दबाना ना भूलें। तो इन 15 दिनों में कर्क राशि के जातकों के साथ प्रेम जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, परीक्षा प्रतियोगिता एवं अन्य क्षेत्रों में कैसी स्थितियां रहने वाली है आप जान पाएंगे। तो देखिए, यह राशिफल चंद्रमा के गोचर की स्थिति के आधार पर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। चंद्रमा 2 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं एवं उसी के आधार पर यह राशिफल बनाया गया है जो कर्क राशि के जातकों के लिए है। तो कर्क राशि के जातकों में कैरियर की दिशा में इन 15 दिनों में आपको खास चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आपके कार्य क्षेत्र में कई प्रकार की बाधाएं देखने को मिलेगी जो आपकी स्थिति एवं आपको तैयार करने के लिए बाधाएं आ रही हैं। आप नई प्लानिंग के साथ उन बाधाओं से निपट पाएंगे एवं आपको निपटना भी चाहिए। व्यापार के मामले में औद्योगिक स्तर पर यदि आप बड़े स्तर का व्यापार कर रहे हैं तो उसमें आपको काफी लाभ होने की संभावना बनेगी। व्यापार की दिशा में काफी स्थितियां अनुकूल रहेंगी। किसी नए प्रोजेक्ट के अचानक पास हो जाने से आपका मन संतुष्ट होगा। पिछले समय से चली आ रही मतभेद आपके अगर ऑफिस में बन रही थी तो उससे समाप्त होने की संभावना बनेगी। आपके मन में विवाद की स्थितियां भी इन दिनों आ सकती हैं जिसको आप खुद रोक सकते हैं। नौकरी एवं व्यवसाय में आने वाली चुनौतियों से आप बाहर निकलकर ज्यादा उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अनुकूल वातावरण के अनुसार आप अपनी बड़ी आकांक्षाओं को फलीभूत कर सकते हैं। इन दिनों में आपको राजनीतिक क्षेत्र में यदि आप जुड़े हुए हैं तो नए कार्यों के लिए प्रेरणा आपको मिलेगी एवं राजनीतिक जीवन आपका उन्नतदायक एवं उत्तम रहेगा। इन दिनों व्यवसाय के क्षेत्र में काफी अच्छी सफलता प्राप्त होने के बावजूद आपके घर का जो माहौल है काफी उत्तम रहेगा। प्रेम जीवन एवं व्यक्तिगत संबंध की अगर बात की जाए तो जो जातक प्रेम जीवन के लिए नए रिश्ते की तलाश में है तो अचानक उन्हें नए रिश्ते की प्राप्ति इन दिनों में हो सकती है। आपके किसी भी बात के द्वारा आपके प्रेमी प्रेमिका में ज्यादा रिश्ते में तकरार भी देखने को इन दिनों मिल सकती है। आपके बीच में विवाद की स्थिति भी हो सकती है। जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में स्थितियां अनुकूल देखने के लिए मिलेगी एवं वैवाहिक जीवन आपका सुधरेगा तथा वैवाहिक जीवन आपका उत्तम रहेगा। विवादों से आप दूर रहें तथा रिश्ते में यदि अहंकार की स्थिति आपके मन में आती है तो उसको दूर बनाएं एवं शांति बनाने की कोशिश करें। किसी भी बात का वैवाहिक जीवन में आपको बुरा मानना पति पत्नी के लिए उचित नहीं रहेगा। वैवाहिक जीवन में ससुराल पक्ष एवं रिश्तेदारों से आपकी सहायता हो सकती है। आर्थिक जीवन एवं धन की अगर बात की जाए तो इन दिनों में खर्चे में वृद्धि होगी, साथ में आपके वेतन में वृद्धि की भी संभावना बनेगी। आपके निराशा की जो भावना है वो दूर होगी एवं व्यापार के क्षेत्र में आप पहले से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। वेतन वृद्धि होने से साथ में घर का माहौल शुद्ध अच्छा होगा एवं आप यदि कहीं से कर्ज लेने के लिए अप्लाई किए हैं तो वह आपका कर्ज लेने के लिए आपका वो पास हो सकता है, बिल पास हो सकता है। यदि आप बैंक से कर्ज वगैरह लेने के लिए आपने अप्लाई किया है तो उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो उदर विकार, एलर्जी एवं रक्तचाप तथा श्वास संबंधित परेशानी आपको इन दिनों छोटी मोटी समस्या ये समस्याएं देखने को आपको मिलेगी। सकारात्मक ऊर्जा एवं स्वास्थ्य को संतुलित बनाए रखने के लिए आपको योग, ध्यान तथा प्राणायाम का सहारा लेना आवश्यक होगा। इन दिनों पारिवारिक जीवन की अगर हम बात करें, घर परिवार वालों के साथ आपको समय बिताने का अच्छा अवसर प्राप्त होगा। आप अपने मन के भाव को घर वालों के सामने व्यक्त कर पाएंगे एवं यदि आपके कहीं रिश्तेदार के यहाँ घूमने की यदि आप योजना बना रहे हैं तो उसमें आप जा सकते हैं। माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल आपको रखना होगा। स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा चिंतित भी इन दिनों दिखाई देंगे। साथ में अगर बात की जाए स्वास्थ्य के नजरिए की तो डॉक्टर का एवं एक्सपर्ट की सलाह लेना आपके लिए उत्तम रहेगा। इस महीने किसी समस्या एवं तनाव एवं मानसिक तनाव की भी स्थिति पैदा हो रही है जिसके लिए आपको निरंतर धैर्य से काम लेना होगा। किसी भी कार्य को करने से पूर्व आप उसकी प्लानिंग कर लें एवं कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आप प्लानिंग करने के पश्चात ही उस कार्य को करें। उपाय एवं परीक्षा प्रतियोगिता की अगर हम बात करें तो जो छात्र जीवन में जातक जुड़े हुए हैं अच्छी सफलता आप प्राप्त कर पाएंगे, आपका चौमुखी विकास होगा। हालांकि आपके मन में चली आ रही जो विचलन है
जो आपके मन में निराशाजनक भावना है वो आपको परीक्षा प्रतियोगिता में प्रदर्शन करने के प्रति निगेटिविटी आपके मन में डाल सकती है एवं परीक्षा प्रतियोगिता में आप प्रदर्शन कम करने के लिए आपको प्रेरित करेगी। लेकिन आपको धैर्य बनाकर निरंतर आगे बढ़ना है एवं आपको जीवन में ज़्यादा सफलता परीक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में अपने आप में ज़्यादा लाने की कोशिश करनी है। कुंडली में अच्छे योग आने वाले समय में आपके दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उच्च अध्ययन के लिए विदेश यात्रा कर्क राशि के जो छात्र जीवन में जुड़े हुए जातक हैं उनको दिखाई देगी। परीक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलने का भी योग इन दिनों में दिखाई देगा। साथ में जो जातक नए नौकरी प्राप्ति के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हें बाधाओं को दूर करते हुए नए सर्विस की प्राप्ति दिखाई दे रही है। उच्च शिक्षा के लिए आपको दूर यात्रा के लिए भी जाना पड़ सकता है। मन में एकाग्रता लाने के लिए निरंतर आपको फलदार वृक्षों का रोपण करना आवश्यक होगा एवं ओम नमः शिवाय का 108 बार निरंतर जाप करना आपके लिए उत्तम रहने वाला है। साथ में गायत्री मंत्र एक प्रामाणिक मंत्र है जो विज्ञान ने जिसको प्रूव किया है। यदि निरंतर आप इसका जाप करते हैं एवं नित्य प्रति यदि आप योग ध्यान एवं प्राणायाम का सहारा लेते हैं तो आपके मन में समस्त टेंशन जो है दूर होगी एवं आप अपने जीवन में एक्शन डालकर जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे, आपका जीवन सही होता जाएगा। उम्मीद है ये राशिफल आपको अच्छा लगा। मिलते हैं एक नए राशिफल में। वर्ष 2020 आपका उत्तम गुजरे इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। दोस्तों